हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं ए टू जेड आसाम। अगर आपको भी नहीं मिला मेरी तरह से रेडमी नोट 5 प्रो तो घबराइए मत, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा ट्रिक जिससे आप भी खरीद सकते हैं रेडमी नोट 5 प्रो आने वाले फ्लैश सेल में। जो गलतियाँ मैंने की आप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए और जान लीजिए किस तरह से रेडमी नोट 5 प्रो को खरीदना है। तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को सब कुछ समझा देता हूँ। इस Redmi Note 5 Pro के जो गोल्डन कलर है और ब्लैक कलर, इस दोनों का कलर को किस तरह से बाय करना है आसानी से। हमारे चैनल A to Z आसाम को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को करना ये है, पहले आप अपना पीसी का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए, मैं आपको टाइप करना भी दिखा देता हूँ, क्रोम वेब स्टोर। तो आप टाइप कर लीजिए क्रोम वेब स्टोर और सर्च कीजिए, इसके बाद जो पहला ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक कीजिए, पहला ऑप्शन नहीं सेकंड ऑप्शन आएगा, तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा या दूसरे पेज में ट्रांसफर हो जाएगा आपका। तो ये देखिए इस तरह का एक पेज आएगा, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो आप सीधे यहाँ पर जाइए इस सर्च बार में और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं फ्लिप शॉप। तो मैंने यहाँ पर सर्च करने के लिए टाइप कर रहा हूँ फ्लिप शॉप। और मैंने इसको सर्च कर दिया है, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन जो आ रहा है फ्लिप शॉप रेडमी नोट 5 MITP ऑटो वायर, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझाऊंगा किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, क्या करना है तो आपको खुद करना होगा। तो इसके बाद आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इधर देखिए आप दोस्तों ए टू क्रोम का एक ऑप्शन है, आप इस ए टू क्रोम के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आप लोग को आप देख सकते हैं ये ए टू क्रोम वाला ऑप्शन, आप इस ए टू क्रोम वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और 5 से 6 सेकंड के अंदर आप कि जो क्रोम ब्राउजर इसमें ये ए टू क्रोम हो जाएगा और आपको एक नया पेज में लेके जाएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा, ये वाला देखिए फ्लिपशॉप लिखा हुआ आ रहा है, मैंने जब इस पर क्लिक किया फ्लिपशॉप। तो ये आने के बाद अब आपको क्या करना है, एक नया पेज खोल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप सीधे अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट खोल लीजिए। आप ध्यान रखना कि आपके अकाउंट पर पहले से ही आपका नाम पता एड्रेस सब वेरीफाई हो। सेल के टाइम आप ये मत कीजिएगा, मैंने जो गलती की थी कि देर कर दिया थोड़ा सा, मैंने 2-3 सेकंड में ही सेल ख़त्म हो जाता है, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके जितना फास्ट हो सके आपको काम करना होगा, तभी आपको सेल में प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये देखिए मैंने खोल लिया है, इसके बाद मैं थोड़ा सा भूल गया इधर बोलने में, आप इस पर क्लिक कर लीजिए पहले ही। तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, आप लॉगिन कर लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं आप लोग, आप फेसबुक से भी और गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा मेरा पीसी का स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट यहाँ पर आपको नीचे साइन अप एंड ईमेल के नीचे फ्लैश सेल दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा फ्लैश सेल में। तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा, तो आप लोग सीधे इसके नीचे आ जाएगा और आपको कौन सा वेरियंट खरीदना है और कौन सा कलर खरीदना है आप क्लिक कर दीजिएगा, जिसकी मुझे
ये ब्लैक वाला खरीदा है, तो मैंने ब्लैक पे क्लिक कर दिया, तो आप भी ब्लैक पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं वापस आप लोग को दिखाना चाहूँगा ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस के थ्रू सब कुछ होता है। अगर आपको Redmi Note 5 Pro खरीदा है तो आप ब्लैक में कितना GB वाला खरीदना है, 4GB या 6GB, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ब्लैक या गोल्ड या दूसरे कोई भी कलर। तो आप MI स्टोर से खरीदना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट से, आप ये ध्यान रखिएगा, अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते तो फ्लिपकार्ट वाले बार में क्लिक कीजिएगा कौन सा वाला ऑप्शन आपको खरीदना है। तो मैंने दोनों ही कलर पर क्लिक कर रखा है, तो आप ये कर लीजिएगा और लॉगिन करना मत भूलिएगा, लॉगिन से ही सब कुछ होगा। तो आपका लॉगिन करते ही आपका कलर ये देखिए इस तरह का एक कलर हो जाएगा, पहले दूसरा कलर था। तो इसके बाद आप फ्लिपकार्ट में जाइए, और मैं वापस अपना कीबोर्ड ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ Redmi। तो ये देखिए Redmi Note 5 Pro का जो ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इस ऑप्शन को यहाँ पर देखिए, तो साइड में एक इस तरह का एक डिटेल्स वाला परसेंटेज वाला ऑप्शन आएगा, ये परसेंटेज आपको दिखाएगा कितना जल्दी आप इसको खरीद सकते हैं, क्या कुछ हो रहा है, यही काम करेगा आपका। और यहाँ पर आप एक क्लिक करके देख सकते हैं कि आप का जो एक्सट्रैक्शन है अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपको इनेबल भी करना है और डिसेबल भी करना है, अभी आप कर सकते हैं, और रिमूव भी यहाँ से ही कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए एक्सट्रैक्शन तो आप यहाँ से रिमूवर डिसेबल कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। इसके बाद आपको जब खरीदना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आज जब सेल स्टार्ट होगा उससे 5 मिनट पहले आप बीच में आ जाएगा और आ जाएगा, तो आप जिस कलर को खरीदना चाहते हैं आप उस कलर में रुकिएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर एक क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर आपका बाई चांस ये बंद है तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपको हेल्प करेगा इसको बाय करने में। जब 5 मिनट होगा तो ये जो कलर है ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन के थ्रू ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप ये ग्रीन हो जाएगा और लगातार क्लिक करते जाएगा, जिससे कि आप इस मोबाइल को जल्दी से जल्दी बाय कर सकते हैं। आपको सीधे कार्ड में ले चलेगा ये ऑप्शन, और उसके बाद आप कितना फास्ट है ये देखेगा, और किस तरह से आप जल्दी से जल्दी अपना वेरीफाई कोड वगैरह डाल के आप बाई कर सकते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड ही टाइम मिलेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी कीजिए। मैं भी इसी ट्रिक को आजमाने वाला हूँ दिस टाइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जम के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।